धरती तो 200 मील दूर स्थित इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन दे बारे विच असी सारे बहुत चंगी तरह जानते हैं, लेकिन मुद्दे की गल तो यह है कि अमरीका च जिस दिन राष्ट्रपति का चोन होगा उस दिन कुछ एस्ट्रोनॉट स्पेस च ही होंगे तो वोट किवें देंगे। खबरों के मुताबिक ISI का मिशन 6 महीने तो पहला खत्म होना बहुत मुश्किल है। अजिहे विच एस्ट्रोनॉट नूं आकाश तो ही वोट देने लई खास व्यवस्था की गई है। अमरीका विच एस्ट्रोनॉट चोन दे समय अपना वोट दे सकन इस दे लई साल 1997 तकनीकी वोट का एक सिस्टम विकसित करने लई टैक्स विधायक विच एक बिल पास किया गया। इस बिल दे माध्यम वल्लों एस्ट्रोनॉट नूं आकाश वल्लों ही वोट देने का अधिकार सौंपिया गया। दस दईए कि साल 2016 दे चोणां एस्ट्रोनॉट ग्यारंग चमिटॉफ ने एडवर्ड माइकल फिक ने ISS दे मिशन उत्ते रहंदे होए अपनी वोट नूं स्पेशल तकनीक वल्लों दित्ता। नियमां दे मुताबिक जेकर चोण दे दौरान कोई अमरीकी नागरिक आकाश विच है तां ओह समूह पोस्टकार्ड आवेदन यानी कि FPCA दे माध्यम वल्लों वोट दे सकदा है। सब तो पहला NASA नूं सूचना देनी हुंदी है अते इस दा इस्तेमाल करन लई इजाजत लैण दे नाल नाल सीक्रेट बेल्ट पेपर नूं लैणा पैंदा है। रिपोर्ट दे मुताबिक करीब 1 साल पहला वल्लों ही इस तरह दी वोटिंग लई तैयार हुंदा है कि किस चोण दे समय केड़ी आकाशपादी स्पेस विच होवेगी अते ओह वोट कर जावेगी। रिपोर्ट दे मुताबिक करीब 1 साल पहला वल्लों ही इस तरह दी वोटिंग लई तैयारी की जाती है कि केड़ी टीम आकाश दे विच होवेगी ते स्पेस दे विच ओह वोटिंग कर सकन। इस तैयारी दे दौरान चोण वल्लों कई दिन पहला ही एस्ट्रोनॉट नूं एक स्टैडम फॉर्म मिल जाता है जिस नूं समूह पोस्टकार्ड आवेदन कहा जाता है। अमरीका विच चोण दे 1 दिन पहला ही एस्ट्रोनॉट नूं एक अकैडमिक ई बेल्ट पेपर अपलाइंग हो जाता है। इस ईमेल वल्लों जो यूनीक प्रमाण पत्र भेजे गए हुंदे हन तां उन्हां दा इस्तेमाल करदे होए एस्ट्रोनॉट अपना वोट दिंदे हन। इस तों बाद धरती उत्ते उतरदे ही अपोलिंग नूं डाउनलोड कर इस दी सूचना काउंट दे क्लर्क दफ्तर विच दे दित्ती जांदी है। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਟ੍ਰੋਨੌਟ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਤੇ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਬੈਲ ਆਈਕਨ।